नमो नारायण मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आर नाम वाले जातक एवं डी नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में एस्ट्रो मंदिर को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आर नाम वाले जातक एवं डी नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक समानता की कमी बहुत ज्यादा होती है। इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन दोनों की अपने अपने जीवन में इनकी जो भी आवश्यकताएं होती है, इनकी जो भी जरूरतें होती है, वो एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से भिन्न होती है। ये कभी भी अपने जीवन में, अपने विचारों के सामने में, अपने दृष्टिकोण के सामने में किसी और इंसान की बातों को, किसी और इंसान के विचारों को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। वैसे इसके अलावा यदि डी नाम वालों की बात करें तो डी नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं। ये हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय के प्रति बेहद आशावादी होते हैं। हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय से बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा आशा करते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने समय को बर्बाद करना या अपने समय का मिसयूज करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वैसे इसके अलावा यदि आर नाम वालों की बात करें तो आर नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। ये हमेशा अपने जीवन में बहुत ज्यादा धैर्यवान होते हैं एवं किसी भी काम को करने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करते हैं। मित्रों, आर नाम वाले जातक एवं डी नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो सामान्य रहेगा, न ज्यादा मजबूत न ज्यादा खराब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में एस्ट्रो मंदिर को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय माँ भवानी आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।